क्या बदलाव है? अभी दोपहर में 1 बजे माननीय अध्यक्ष ने प्रेस ब्रीफिंग की थी। उस ब्रीफिंग का नटशेल यही है कि 68th पीटी से में कुछ बदलाव किया जाएगा। पीटी के क्वेश्चंस में कुछ बदलाव होगा, मेजर पोर्शन वही रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कड़े प्रवृत्ति के, मतलब टफ रहेंगे, और वो 2 नंबर के होंगे, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। कुल मिला के ये है कि 200 नंबर का हो जाएगा, 150 क्वेश्चन रहेगा और मार्किंग हो जाएगा 200 नंबर, और वो स्टार्ड रहेगा क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन स्टार मार्क किया हुआ रहेगा, और इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। पहला पेज पे जो इंस्ट्रक्शन रहता है वो इंस्ट्रक्शन लड़के को दिया जाएगा, लड़कों को उसको देख लेना है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये तो ये हो गया। दूसरा है कि स्केलिंग सिस्टम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इंटरनल कमेटी हमारी बनी है, उसमें एक्सपर्ट भी रखे गए हैं जो UPSC वगैरह में जाते हैं और काम करते हैं, ऐसे एक्सपर्टीज उनकी ले करके हम लोग स्केलिंग के लिए जो बहुत दिनों से डिमांड है लड़कों का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट आने वाली है, और जब मेंस का हम 67वीं का मेंस लेंगे परीक्षा, तो उसमें एक मेंस में ही एक ऑप्शन देंगे, 4-5 ऑप्शन रहेगा कि स्केलिंग की कौन सा सिस्टम को आप ऑप्ट कर रहे हैं या स्केलिंग नहीं चाहते हैं। तो लड़के से जो फीडबैक मिलेगी, एग्जामिनर से जो फीडबैक मिलेगा हमें, उसके आलोक में हम आगे की रणनीति बनाएंगे, हमें लागू करना है कि नहीं करना है, या किस प्रक्रिया को हम लागू करेंगे। ये 2 मेजर चेंजेज हुए हैं अभी तक हम लोगों ने सोचा है। और एक ये है कि 22 तारीख को हमारा एक लिखित एग्ज़ाम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसमें कॉन्फिडेंशियल प्रेस से हमारा 3 सेट क्वेश्चन आएगा, पेन ड्राइव के फॉर्म में रहेगा, और उसी दिन परीक्षा के सुबह में अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक सेट सेलेक्ट किया जाएगा, और उस सेट को हमारे ऑफिसर लेके जाएंगे पेन ड्राइव के फॉर्म में सेंटर पे, और वहीं क्वेश्चन लड़कों के सामने प्रिंट होगा या उसकी फ़ोटो स्टेट करा करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, बिहार में इस तरह का नहीं हुआ था। अभी CBSE ने अपने कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। ये नए चेंजेज हैं, तो लड़कों को इस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इस कारण से आज बैठक बुलाई गई थी और ब्रीफिंग की गई चेयरमैन के द्वारा। यही 3 बातें हुई थी उसमें। सभी सवालों पर निगेटिव मार्किंग हो गई? नहीं, अभी बताया मैंने कि अभी उसका अमाउंट हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया है कि 50 क्वेश्चन होंगे या 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सभी सवालों पे नहीं रहेंगे, और जो कठिन प्रश्न हैं उन्हीं पे रहेगा निगेटिव मार्किंग। और हमारा उद्देश्य यह है कि तुक्केबाजी जो लोग करते हैं कि अंदाज से टिक लगा दिया ठीक हो जाता, वैसा चीज़ नहीं हो, और इंटेलिजेंट लड़के जो जेन्यून लड़के हैं उनको वेटेज मिले, माने उनको थोड़ा लीड मिले।